इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कहां से? देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एक वो होगा, और दूसरा पार्ट होता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, हेनरी लॉ बहुत बहुत रेयर क्वेश्चन पूछेगा, नीट में तो देखते नहीं, लेकिन जेई मेन में तो क्या होता है कि एक साल बहुत सारे एग्जाम होते हैं इसलिए फ्रिक्वेंटली पूछता है, लेकिन नीट में बहुत रेयर क्वेश्चन आता है उससे, हेनरी लॉ से। फिर तो यही तीन पार्ट है इसका, सबसे अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और ये रॉड्स लॉ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा बता देते, सॉल्यूशन क्या होता है आपको भी पता है कि होमोजेनियस मिक्सर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर को कभी हम लोग सॉल्यूशन बोलते ही नहीं, हेट्रोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है कोलाइड्स होता है, सस्पेंशन होता है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लार्ज अमाउंट में आता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, जो लेस अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट। आपने देखा भी होगा कि एक सॉल्यूशन क्या होता है सैचुरेटेड, एक क्या होता है अनसैचुरेटेड, एक क्या होता है सुपर सैचुरेटेड, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। किसी भी सॉल्व गिवन सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होता है, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अब मैक्सिमम कितना डिजोल्व करोगे टू गेट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उससे ज्यादा अगर देंगे तो क्या होगा आपका, अगर जितना सॉल्युबिलिटी होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना डिजॉल्व होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल स्टेट होता है, उसको फिर प्रेसिपिटेट आउट करना, प्रेसिपिटेट आउट करके क्या करेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो गिवन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, पता होगा आपको ये सब, आई बात समझ में? तो ये सब बताना पड़ेगा सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड क्या होता है बोलो तो बता देंगे। नहीं आपको ये पता है कि सॉल्यूशन बनाने पे एंट्रोपी क्या होता है इंक्रीज होता है, रैंडमनेस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्योर सॉल्वेंट है सॉल्यूशन का रैंडम, आप रैंडमनेस का बात करेंगे तो रैंडमनेस ज्यादा किसमें होगा सॉल्यूशन में, तो एंट्रोपी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं होता। कर लेंगे लिखो लिखो, एक दो पॉइंट लिखो इसका, थोड़ा फास्ट रहिए पढ़, क्योंकि ये सब पढ़े होंगे होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, अगर दो रहेगा तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग किस पे वर्क करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं, क्योंकि वहां पे कितना कंपाउंड्स होता है दो दो कंपोनेंट होता है। तो सॉल्यूशन में जाएंगे तो दो कंपोनेंट जो उसमें, एक को क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट, एक को क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वो कौन डिसाइड करेगा सॉल्वेंट। एक्सेस कौन रहेगा, देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन को प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो आपके पास क्या होता है कि सॉल्यूट जब लेंगे तो सॉल्यूट क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सेपरेट मॉलिक्यूल में पहले मॉलिक्यूल से उसको सेपरेट करो, क्योंकि सॉल्यूशन जब बनाने जाओगे तो पहले सॉल्यूट पार्ट सॉल्यूट जो होगा जैसे सोडियम क्लोराइड लेंगे तो आयनिक फॉर्म में सेपरेट होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड लेंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म में सेपरेट होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूट इनटू द मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टेप क्या होगा एक्सोथर्मिक है इंडोथर्मिक, स्टेप वन लिया मैंने, स्टेप वन लिए, स्टेप वन लिए इसमें ये प्रोसेस क्या होगा वन, ये एंडो या एक्सो एंडो। तो देखो ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होगा किसका सेपरेटेड मॉलिक्यूल सब किसका हो गई है सॉल्यूट का, आई बात समझ में? आप देखो यहाँ पे कि अब एक सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट में क्या होता है वहां पे लिक्विड आता तो सॉल्वेंट होता ही, देखो इस तरह से सॉल्वेंट होगा कहीं पे, सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर दो मॉलिक्यूल्स में, ये स्टेप क्या हो जाएगा टू इंडो एक्सो।
स्टेप टू हो जाएगा, तो स्टेप टू में जाएंगे तो इंडो एक जो होगा देखो इस तरह से रहेगा, ये सॉल्व ये रहेगा ना, इस तरह से लिक्विड रहता है, लिक्विड रहता है कि नहीं इस तरह से बताइए। ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होगा किसका, सॉल्यूट के सॉल्वेंट का। सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीट का बहुत पुराना क्वेश्चन मिलेगा ना इससे मिलेगा। देखो ये होता है सॉल्वेंट, अब क्या होगा देखो, दोनों को मिक्स कर दो तो ये प्रोसेस क्या होगा, इंडो एक जो इंडो, देखो सॉल्यूट इज सेपरेटेड इनटू द मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट इज ऑल्सो सेपरेटेड इनटू मॉलिक्यूल, तो आपके पास सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट का होगा, अ सेपरेटेड मॉलिक्यूल किसका होगा, सॉल्वेंट का। नाउ द सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट कंबाइंड टू गिव द सॉल्वेंट, क्या देगा आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो उसी को तो सॉल्यूशन बोलते हैं आप लोग। सेपरेटेड मॉलिक्यूल के बीच में तो इंट्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, किसके बीच में इंट्रैक्शन होगा सेपरेटेड में, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जब आएगा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन आएगा उसमें सेपरेटेड मॉलिक्यूल किसका होगा आपका, देखो ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल किसका होगा, होमोजेनियस मिक्सर होगा, ये किसका होगा सेपरेटेड मॉलिक्यूल सॉल्यूट का, ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल किसका होगा सॉल्वेंट का, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में बल्क में नहीं रहता कोई भी सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जब जाएंगे तो किस में रहेगा वो सेपरेटेड फॉर्म में रहता है, और सॉल्वेंट भी किस में रहेगा सेपरेटेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स में रहेगा, बल्क में नहीं रहता कोई वहां पे। ये प्रोसेस क्या होगा इंडो एक जो, ये देखो स्टेप थ्री होगा, ये तीन स्टेप में सॉल्यूशन इंडायरेक्टली बनता है यहाँ पे थ्री। अब ये स्टेप थ्री जो होगा ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो डिपेंड होता है इंट्रैक्शन पे। तो ये न्यू इंट्रैक्शन देंगे तो ये क्या होगा आपका स्टेप थ्री ले रहा हूँ, रुको स्टेप थ्री। अब स्टेप थ्री का ये थ्री बताए तो ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव रीजन क्या होगा, आप चाहे इंट्रैक्शन वीक दो या स्ट्रांग दो, दे तो आप इंट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगा कि अब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा। आई बात समझ में, अब क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जब जाएंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो वो क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस एंथैल्पी ऑफ टू प्लस एंथैल्पी ऑफ थ्री। अब ये वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, वो डिपेंड करता है सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन पे। डेल एस थ्री क्या होगा कि ये आपका सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होगा सॉल्यूट का, ये सेपरेटेड मॉलिक्यूल किसका होगा सॉल्वेंट का। अब ये सेपरेटेड, अब क्या होगा यहाँ पे न्यू इंट्रैक्शन आप देने जा रहे हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन न्यू इंट्रैक्शन से एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा कि नहीं, तो एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा। अब ओवरऑल एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डेल एच वन डेल एच टू डेल एच थ्री दैट मेक द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं सॉल्यूट पहले कन्वर्ट होगा सेपरेटेड मॉलिक्यूल में, सॉल्वेंट भी कन्वर्ट होगा सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स में, नाउ द सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटैक्ट टू गिव द सॉल्यूशन। आई बात समझ में, तो आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो क्या होता है, एक होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, एक होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, कहाँ पे होगा सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर नेगेटिव होगा सॉल्यूशन प्रोसेस हमेशा फेवरेबल होगा। आई बात समझ में, अगर मान लो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट से, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। बट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव, फिर भी सॉल्यूशन सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो जाता है, व्हाई, एंट्रोपी फैक्टर रैंडमनेस फैक्टर, तो टू फैक्टर डिसाइड द कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन, एक एंथैल्पी फैक्टर एक होता है एंट्रोपी फैक्टर। अगर एंथैल्पी नहीं फेवर करेगा तो एंट्रोपी फेवर करेगा, मतलब प्रोसेस इंडो या एक जो डिसॉल्यूशन तो होना ही है उसको। बहुत सारे ऐसा कंपाउंड होता है जिसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका डिजोल्यूशन क्या होता है एक्जो, अब बहुत का होता है डिजोल्यूशन क्या होता है इंडो, लेकिन दोनों सॉल्यूबल होता है वाटर में, रीजन क्या होता है एंट्रोपी इंक्रीज होता है, तो एंट्रोपी मेक द प्रोसेस फेवरेबल। आई बात समझ में, ये समझ में कैसे ले, आप नीट का जब क्वेश्चन बनाओगे पुराना क्वेश्चन मिलेगा, तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पे दिया था फिर क्या दिया था वहां पे डेल एच वन डेल एच टू करके दिया वहां पे,
क्या किया, सॉल्यूट को पहले सेपरेट मॉलिक्यूल में किया था, उसको डेल एस वन बोला, सॉल्वेंट को सेपरेट मॉलिक्यूल में लिया था डेल एस टू बोला, आज सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सेपरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट को मिक्स करके बनाया सॉल्यूशन, तो उसको बोला डेल एस थ्री। अब बोल रहे कि एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो डेल एस वन प्लस डेल एस टू प्लस डेल एस थ्री कर लोगे। अब क्या होता है देखो, एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निगेटिव हो जाएगा, मान लो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निगेटिव होगा, ये तो पता है कि एंथाल्पी एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप बताओ एंथाल्पी अगर निगेटिव होगा और एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, तो एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, तो सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल होगा, मतलब सॉल्यूशन डिजॉल्व हो जाएगा वहां पे। एनर्जी क्या होगा, निगेटिव ऑलवेज, सॉल्यूशन प्रोसेस विल बी फेवरेबल या नॉट फेवरेबल, फेवरेबल एट ऑल टेम्परेचर, यस एट ऑल टेम्परेचर। अब इंथैल्पी जो आपका ये क्या था, डेल एस जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो देख लो, ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो स्ट्रांगर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट से, यस सॉल्यूट सॉल्वेंट से, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि किधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बताइए, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, तो उसको सेपरेट करने में जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। और एंट्रोपी तो हमेशा सॉल्यूशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमेशा याद रखना किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई सॉल्यूट दोगे तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होता है, रैंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव कर लेंगे। तो एक कंडीशन होगा कि एंथैल्पी अगर निगेटिव होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज करो इंक्रीज करो उससे कोई मतलब नहीं, एनर्जी आपका एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रहा था, एनर्जी क्या होगा यहाँ पे निगेटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव, दैट इज सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, इंडो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक नेचर होगा बट एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी तो इंक्रीज होता, आप बताइए कौन फेवरेबल करेगा, एंडोथर्मिक होगा बट सॉल्यूशन प्रोसेस विल बी फेवरेबल ड्यू टू, प्रोसेस विल बी फेवरेबल ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर, आई बात समझ में, अगर दोनों पॉजिटिव है तो एंट्रोपी फैक्टर आपका क्या करता था, स्पॉन्टेनियस करता था कि नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत तरह सॉल्यूट को जैसे सोडियम क्लोराइड का डिजोल्यूशन होता है इंडोथर्मिक, लेकिन सोडियम क्लोराइड को वाटर में जाएंगे तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करते तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन फेवरेबल है एंट्रोपी फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, फेवरेबल है तो डिजॉल्व तो होगा, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन प्रोसेस में भी इंडोथर्मिक में भी एक्सोथर्मिक बट सॉल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज फेवरेबल, तो अगर मान लो इंडोथर्मिक होगा तो उसके लिए कौन फेवर करेगा, एंट्रोपी फैक्टर, सॉल्यूशन का हमेशा एंट्रोपी प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, याद रखोगे ये समझ में कि इंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन होगा, सॉल्यूशन फेवरेबल क्यों होगा ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर, एक्सोथर्मिक के लिए तो एंथैल्पी ही कंसीडर करोगे उसी से फेवरेबल बोल देंगे, क्योंकि ऑलवेज एनर्जी क्या होगा निगेटिव, यहाँ पे एनर्जी निगेटिव करने के लिए आपको किसको करना पड़ेगा, एंट्रोपी को, आपको तो पता है फॉर एनर्जी निगेटिव करने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा,
डेल एस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन दैट पी डेल एस, आपको क्या हो जाएगा, कौन फेवर करेगा, एंट्रोपी एन्थैल्पी, एंट्रोपी, याद रखोगे, ये होता सॉल्यूशन। आप क्या होता है, आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, देखो यहां से मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये, देखो ये डेल जी जीरो, तो इसका मतलब होता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है ये, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, कहां पे आप इक्विलिब्रियम में, अगर ये डेल जी यहाँ पे मैंने नेगेटिव रखा, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन प्रोसेस अभी क्या होगा, फेवरेबल है, और भी सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो डेल जी क्या हो जाएगा वहां पे नेगेटिव, तो ये अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो डेल जी मैंने पॉजिटिव रखा, मतलब ये आपका सुपर सैचुरेटेड है, तो बताओ डेल जी पॉजिटिव है सुपर सैचुरेटेड अगर सॉल्यूशन है, रिवर्स क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, डेल जी अगर फॉरवर्ड का अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, इसलिए क्या फेवर करेगा, प्रेसिपिटेशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फॉरवर्ड क्या होगा डेल जी, नेगेटिव, मतलब क्या फेवर करेगा, डिजोल्यूशन, तो देखो डेल जी नेगेटिव मतलब फेवर करेगा डिजोल्यूशन, डेल जी जीरो का मतलब ना फेवर करेगा डिजोल्यूशन ना फेवर करेगा किसको, क्रिस्टलाइजेशन, दोनों सेम रेट से होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मोर फास्टर देन रेट ऑफ डिजोल्यूशन, तो क्या होगा वहां पे, क्रिस्टलाइजेशन, कर लोगे समझ में आई बात, तो डिजोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया क्या प्रोसेस होता है, रिजोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन समझ में क्या प्रोसेस होता है, कर लेंगे यही बात समझ में। हाँ देखो ये तो मॉलिकुलर लेवल पे बताया कि सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड बोल दिया आपको। अब क्या होता है कि आप एक टर्म बोलते हो लाइक डिजॉल्व लाइक, बोलते हो कि नहीं, तो पोलर में पोलर को डिजॉल्व करोगे, तब क्या होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब लोगे, अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होता है, तो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन अगर बहुत क्लोज आ जाएगा तभी आप डिजॉल्व कर पाएंगे। तो पोलर में क्या होता है डैपोल डैपोल, वाटर में क्या होता है डैपोल डैपोल, इसीलिए पोलर को डिजॉल्व करते हैं वाटर में। बेंजीन क्या होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो नॉन पोलर को कहाँ पे डिजॉल्व करते हो, बेंजीन में, यही बात समझ में। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है पोलर को पोलर डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर को नॉन पोलर डिजॉल्व करेगा, कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कि अब होता है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, मैक्सिमम कितना आप डिसॉल्व कर सकते हो उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसके टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है लेस सॉल्युबिलिटी होता है, तो आप क्या करते हो और भी उसमें सॉल्यूट देते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है इंक्रीज होता है, और सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में चाहिए उससे भी ज्यादा आपका सॉल्यूट कहाँ पे डिजॉल्व है सुपर सैचुरेटेड, वो क्या होता है अनस्टेबल या लेस स्टेबल, अनस्टेबल, क्योंकि देखो गिब्स एनर्जी क्या है उसका पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो क्या होगा अनस्टेबल, कर लेंगे। तो फर्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, एनसीईआरटी दिया कुछ बता देते हैं आपको लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता इससे, टेंशन फ्री रहो ना, एसएलओ हट गया ना, एसएलओ हट गया ना, तो सॉल्युबिलिटी हट गया, टेंशन फ्री रहो ना, क्या दिक्कत है, एसएलओ की से तो सॉल्युबिलिटी पूछता था, सल्फेट का पूछता था, हाइड्रोक्साइड का पूछता था, वो भी हटा ही दिया, मतलब क्या समझ के रखा बच्चा को, मतलब बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ नाइन टेन से बच्चा पढ़ के आएगा, मतलब पीवी को से पढ़ के आएगा बच्चा, ये नहीं समझ रखा है, ये ए और बी का तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कहाँ होगा, क्या मस्त सिलेबस कर दिया, अरे पॉलीमर थोड़ा रहने देते, पॉलीमर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, पॉलीमर में पॉलीमर क्या है, देखो पॉलीमर क्या है कि पॉलीमर में डेली लाइफ में जो आप यूज करते हो जो भी यूटेंसिल जो भी यूज करते हो डेली लाइफ में, तो पॉलीमर का उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है,
डिग्री कौन होता है, नॉन बाय डिग्री ये ईवीएस में देता है। मैं मानता हूँ कि ईवीएस में 9th 10th में जाओगे, 8th में जाओगे तो ईवीएस में ये सब देता है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल देता है, डेवेडनेस तो वहां से दे देता है आप लोगों को। लेकिन पॉलीमर आने से क्या होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो पॉलीमर उतना टफ चैप्टर नहीं था, पॉलीमर इजी चैप्टर था। पॉलीमर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएगा बीटेक उटेक करने तो पॉलीमर का एप्लीकेशन होता है। अब ऐसे भी आप भी जाओगे, मान लो कि आप डॉक्टर बनोगे तो थोड़ा पॉलीमर का आइडिया नहीं रहेगा तो कैसे पेशेंट को बोलेगी खाओ या नहीं खाओ, कैसे बोलोगे? तो पॉलीमर तो रहना चाहिए। तो पॉलीमर हटा दिया, चलो ठीक है पॉलीमर हटा दिया, उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर रखना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर नहीं रखना चाहिए। ये सरफेस हटा दिया, चलो ठीक है सरफेस सब, लेकिन सरफेस अब सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली जाओगे तो सिलेबस जो है 9th 10th का, उसमें 9th में कुछ दिया हुआ है सरफेस में, चलो हटा दिया, लेकिन सरफेस स्टेट ऑफ मैटर क्यों हटाया पता नहीं। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सुनिए। सॉलिड लेंगे, वाटर लेंगे, सॉल्वेंट, ये सॉलिड चला गया आपका एक पास सॉल्यूशन में, ये होगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉरवर्ड क्या बोलेंगे आप, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, आप बैकवर्ड क्या बोलेंगे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एटिक वे पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, जान तो ये सब वो सब मेंशन नहीं करेंगे आप। देखो यहाँ पे क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखोगे यहाँ पे दो हो सकता है, या तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा पॉजिटिव, या तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा नेगेटिव। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे ना तो बताओ, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड क्या होगा इंडो, अब बैकवर्ड क्या होगा एक जो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आप किधर जाएंगे, एंडोथर्मिक डायरेक्शन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डी चैटलर्स प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। अब बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड क्या आपका, मैंने फॉरवर्ड में डेल एच को मैंने पॉजिटिव रखा तो फॉरवर्ड क्या है एक जो इंडो, अब बैकवर्ड क्या आपका एक जो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो यू हैव टू फेवर द डायरेक्शन इन द इंडोथर्मिक डायरेक्शन, द फॉरवर्ड इज योर इंडोथर्मिक डायरेक्शन, तो यू हैव टू फेवर द प्रोसेस इंडोथर्मिक डायरेक्शन, क्योंकि आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। तो ली चैटलर्स क्या बोलता था कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे, तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे कि अगर आपने कहा ये प्रोसेस क्या है यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्जो इंडो, सॉल्यूशन प्रोसेस क्या है यहाँ पे एक्जो, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा फास्ट होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर फास्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल भी होता लेकिन ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन ऐसा कोई ट्रू ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हम लोगों के पास कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंथैल्पी के बेसिस पे आप सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपसे। एनसीईआरटी जाओगे तो एनसीईआरटी में दिया वहां पे अकॉर्डिंग टू ली सेट लेयर्स प्रिंसिपल बताए थे ना आपको, सैटेलाइट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन जाएंगे, तो आप देखो वहां पे उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अगर इंडोथर्मिक सॉल्यूशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा इंक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिसको डिसोल्यूशन क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है, किसी का डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होता है इंक्रीज होता है। मतलब ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे एनसीईआरटी में लिखा है एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसीलिए आज तक क्वेश्चन नीट में नहीं देखोगे। आईआईटी में बहुत पहले 90-95 के टाइम में पूछा था एक बार क्वेश्चन, उसके बाद आईआईटी में भी क्वेश्चन कहीं नहीं देखेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है इसका।
ये हमेशा एक्सपेंड डिसोल्यूशन प्रोसेस टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। आपको मैं सॉलिड दे दूंगा, बोलेंगे इसका बताओ क्या होगा, मैं बोलूंगा इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या पॉजिटिव बताओ क्या होगा, आप बोलोगे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है आपका। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, थ्योरेटिकली आप नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? देखो बता रहा हूँ, कर ली कॉपी है, देखो एक ग्राफ में बता देता हूँ, ये टेस्ट से इसमें पूछता है, नीट यूट में नहीं पूछने वाला ये ग्राफ सर। देखो क्या है, ये टेम्परेचर लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस में, इधर क्या लिए देखो, इधर लिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो होगा किसमें होगा, देखो सॉल्युबिलिटी लेंगे ग्राम सॉल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्युबिलिटी कर्व बोला जाता है, ये होता है आपका ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 1 लीटर वाटर को सॉल्युबिलिटी नहीं बोला जाता, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। आई बात समझ में? अब वाटर का डेंसिटी क्या होता है, आप 100 ग्राम बोलो या 100 ml बोलो, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, उसी को बोलते सॉल्युबिलिटी, मोल पर लीटर नहीं आता, कर लेंगे। अब देखो ये था, देखो सोडियम क्लोराइड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं टेम्परेचर का, ये देखो पोटेशियम क्लोराइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं टेम्परेचर से, ये देखो पोटेशियम नाइट्राइड ये देखो सोडियम, देखो किसी का सॉल्युबिलिटी मैंने डिक्रीज कर दिया, इधर सेरियम सल्फेट का देखा गया, सोडियम सल्फेट का लोगे तो सोडियम सल्फेट का कुछ ऐसा होता है, देखना किसका होता है, सोडियम सल्फेट का पहले इंक्रीज करता फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है, आप बताओ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को बताओ, सोडियम सल्फेट का क्या होगा, पहले इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, डिक्रीज हुआ, सोडियम क्लोराइड का क्या होता है ऑलमोस्ट नियरली इंडिपेंडेंट, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद स्ट्रेट लाइन, किसी का देखो स्ट्रेट लाइन हाई भी नहीं, अल्टीमेटली क्या देखा, effect of temperature on solubility is completely based on experimental observation. आई बात समझ में? आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% गारंटी लेता हूँ सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर कभी नहीं क्वेश्चन आता, कर लोगे तो किसी का सॉल्युबिलिटी आपने क्या देखा, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, किसी का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली क्या क्या इंक्रीज किया, किसी का सॉल्युबिलिटी कंटिन्यूसली क्या क्या इंक्रीज किया, जनरली जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे क्या होता है मोहर सॉल्ट क्या होता है, ये कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है हाइड्रेटेड होता है, MgCl2 क्या होता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सॉल्ट का जब सॉल्युबिलिटी जाओगे तो पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, मतलब जैसे इस स्टेप में डिहाइड्रेट होता है उसी स्टेप में उसका सॉल्युबिलिटी आपका चेंज होते रहता है, कर लोगे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता आपको, मैंने एक कर्व दिखा दिया आपको, ये NCERT के अकॉर्डिंग मैंने लिचेटलेस में स्लू के बेसिस पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लिखो solubility of a gas in liquid, ये पूछता क्वेश्चन, तो किसी गैस को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये
गैस एक्वस सोडा वाटर होता है ना, डिजॉल्व सी ओ टू आता है ना उसमें, आपने देखा होगा यहाँ पे इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ये ऑलवेज होता है ये आपका निगेटिव। आप बताओ गैस को जब आप एक्वा सॉल्यूशन में लेके आओगे तो क्या होगा, रैंडमनेस तो उसका डिक्रीज होगा ना, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा कि अब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कर लेंगे अब देखो, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर प्लॉट लेंगे, सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का अगर प्लॉट लेंगे तो कुछ ऐसा प्लॉट आता है, क्या करें इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए देखा होगा आपने कि समर सीजन में देखना कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे पॉन्ड में देखोगे फिर सरफेस पे आने लगता है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है लेवल फॉल कर जाता है, इसीलिए आपका क्या होता है देखना कि एक्वेटिक लेवल डिस्टर्ब होता है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या कहाँ पे ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, तो सबसे पहले कौन डिस्टर्ब होगा, एक्वेटिक लाइफ होता है। आप भी देखना कि जब अगर मान लो कहीं पे बहुत ज्यादा हॉट रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे मान लो कि एसी का एग्जॉस्ट चलता है, या कहीं पे मॉल वॉल में जाते हो तो देखना वहां पे आप जब सांस लोगे ना तो आपको देखना कि प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट करोगे, रीजन क्या होता है वहां पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ गैस है, आई बात समझ में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा। कर लेंगे नेक्स्ट, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ये तो सिंपल थ्योरी है, सोडा वाटर देखो ना हाईली प्रेशर पे पंप करते थे ज्यादा डिजॉल्व होता है, जैसे प्रेशर सडनली रिड्यूस करते हैं डिजॉल्व गैस कमिंग आउट, उसी से तो फिजिंग होता है उनका। यही पता नहीं एंडीज लॉ, कर एनसीईआरटी जाओगे तो एप्लीकेशन ऑफ एंडीज लॉ दिया होगा, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ एंडीज लॉ में वहां पे एनोक्सिया दिया होगा, बेंट दिया होगा आपका, फिर एक्स क्यू डाइवर में क्या होता है डायलूटेड किससे किया जाता है ये सब होगा, तो एनसीईआरटी का वो खुद से जाके पढ़ना थ्योरेटिकल, मैं दिखा बता देता हूँ क्या क्या होगा, क्योंकि देखो आप जब क्या होता है ना कि इसके ऊपर डाइवर्स सब होता है, तो जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस आपका क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा ब्लड में, जैसे ऊपर आओगे तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, नाउ द डिजॉल्व गैस विल कम इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, अब बबल्स क्या करेगा, कैपिलरी का ब्लॉकेज करेगा, उसी को क्या बोलते हैं वेंट्स बोलते हैं हम लोग, वेंट्स होता है, तो वेंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि स्पेशली हम लोग क्या करते हैं एयर को डायल्यूट करते हैं हीलियम से, तो जिसके ऊपर टेबल का जो सिलेंडर देखते हो उसमें 11.6% आपके हीलियम दिया रहता है, क्योंकि हीलियम का सॉल्युबिलिटी क्या होता है कम होता है, तो जो चांस होता है बैंड फॉर्मेशन का उसको आप अवॉइड करोगे। एक होता है एनोक्सिया, हाई प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे जब जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है फॉल कर जाता है, एक ये होता है। दूसरा याद रखना कि सोडा वाटर उसमें सीओ टू हम लोग क्लोज करते हैं कहाँ पे, हाई प्रेशर पे ज्यादा डिजॉल्व होता है, जैसे प्रेशर सडनली रिड्यूस करोगे तो एक्सेस गैस डिजॉल्व गैस विल कम आउट, जैसे कम आउट आएगा तो वहाँ क्या होगा फिजिंग होता है, तो ये जानते हो आप लोग, तो ये सब खुद से पढ़ लेना। तो मैंने बताया कि स्क्यूबा डाइवर एयर डायलूटेड विद 11.6% ऑफ हीलियम, तो वहाँ पे एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पे कंपोजिशन दिया है कि 56% आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, 32% नाइट्रोजन होना चाहिए, 11.6% क्या होना चाहिए हीलियम होना चाहिए, तो वो सब जाके एक बार खुद से देख लेना, कर लोगे। आइए एंडीज लॉ क्या बोलता है, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर,
ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. सरफेस ऑफ लिक्विड पे कितना प्रेशर आप एग्जर्ट करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल वो आपका डिजॉल्व होगा. ये हेनरी लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी किसमें गया अपने मोल फ्रैक्शन के टर्म में. ये गैस का सॉल्युबिलिटी जो मोल फ्रैक्शन होगा कहाँ पे होगा, गैस का सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में. ये जो होगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व गैस चाहिए. अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा एयर में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर क्या होगा, 0.2. नो, वो फाइंड करेंगे हम लोग. प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या इक्वेशन आता है, कुछ बताइए. केएच इनटू काई बोलते हो नहीं है. सॉल्युबिलिटी किसके टर्म में, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैंने किसके टर्म में एक्सप्रेस किया, इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. कहीं के पे सॉल्युबिलिटी दे देता है आपका मोल पर लीटर में, मतलब केएच क्या होता है. हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये. यस, क्या होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे के एस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या होगा, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये क्या होगा, प्रेशर फिक्स कर दो आप. ये क्या कर दो एट ए गिवन प्रेशर, प्रेशर फिक्स करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा. इसका मतलब क्या होगा, काई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा. काई का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्योंकि काई जो होगा रेसिप्रोकल टू केएच, अगर ये वैल्यू डिक्रीज करोगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. पी को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया. मतलब कि मैंने फोर डिफरेंट गैस लिए, सबका पी को मैंने सेम रखा, सबको वो एनटीएम पे लेके मैंने लिक्विड सर्फेस पे लाया तो देखा मैंने कि पी कॉन्स्टेंट हो गया. प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहे थे जितना भी गैस थे सब गैस क्या हो गया, डिफरेंट गैसेज एग्जर्टिंग द सेम प्रेशर. नाउ डिफरेंट गैस हैव द डिफरेंट एबिलिटी टू डिजॉल्व इन द वाटर. तो मैंने किसी गैस का सॉल्युबिलिटी, देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो केएच का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. कर लोगे. अब देखो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड होगा कि नहीं है, केएच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. Depends on the nature of gas. क्यों बताइए बेटा, प्रेशर सेम करोगे तो नेचर ऑफ गैस के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी होगा कि नहीं आपका. ज्यादा सॉलिबल होगा तो काई का वैल्यू क्या होगा, हाई. तो केएच का वैल्यू लो. लेस सॉलिबल होगा तो काई का वैल्यू क्या होगा, लो. तो केएच का वैल्यू हाई. जितना ज्यादा सॉलिबल गैस उतना केएच वैल्यू लेस. तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस अगर इंक्रीज होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस अगर इंक्रीज होगा केएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. देखो आप खुद से बताइए, अगर मेरे पास CO2 है, अगर मेरे पास N2 है, अगर मेरे पास हीलियम है, अगर सबको एक प्रेशर में फिक्स कर दूंगा तो कौन सबसे ज्यादा डिजॉल्व होगा, CO2. सबसे लेस कौन होगा, सॉल्युबिलिटी देखेंगे आप. यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर जा रहा हूं मैं, तो किसका ज्यादा होगा, CO2 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3 हो गई. तो बताओ KH किसका ज्यादा होगा, KH ऑफ हीलियम ग्रेटर देन द KH ऑफ नाइट्रोजन, KH ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन द KH ऑफ
CO2, आपको पता चला कि डिफरेंट गैस के लिए केएच का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फॉर ए गिवन गैस केएच का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। एनसीईआरटी जाना तो एनसीईआरटी के टेबलर फॉर्म में दिया, वहां पे डिफरेंट गैस का केएच का वैल्यू डिफरेंट दिया, सब किलो बार में दिया होगा। वहां पे एनसीईआरटी में जाओगे तो सब किलो बार में दिया, वहां पे देखना कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का दिया होगा, 298 केल्विन पे दिया होगा आपका, कुछ आपका 373 केल्विन, ये आपका 273 पे दिया होगा, कुछ आपका 298 पे दिया होगा। टू डिफरेंट टेम्परेचर पे वहां पे केएच का वैल्यू एक ही गैस का दिया होगा, देखना वहां पे टेम्परेचर जैसे इंक्रीज क्या होगा, केएच का वैल्यू डिक्रीज होगा। कर लेंगे, डिफरेंट गैस का दिया होगा तो वहां पे डिफरेंट गैस में थोड़ा लॉजिकल कंपेयर करना, वहां पे ऑक्सीजन का भी दिया होगा, नाइट्रोजन का भी दिया होगा, हाइड्रोजन का भी दिया होगा, हीलियम का दिया होगा। देखना वहां पे कि टेम्परेचर फिक्स कर देना 298 केल्विन या 293 केल्विन जो भी दिया होगा वहां पे, तो गिवन टेम्परेचर पे देखना कि सबसे ज्यादा केएच का वैल्यू वहां पे होगा हीलियम का। आई बात समझ में? आर्गन सब का क्या होता है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है तो सॉल्वेटिक क्या होगा कंपेयर टू हीलियम ज्यादा होगा, तो केएच का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। अब देखना आप सबका नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा, किसका, आर्गन का, एसिटिलीन का, एससीएल का, सबका नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। कर लेंगे, एनसीईआरटी के टेबल फॉर्म में वहां पे देखना कि एक ही गैस का डिफरेंट टेम्परेचर पे केएच वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब फॉर एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैस केएच वैल्यू क्या होगा, डिफर करेगा, मोर सॉल्युबल लो वैल्यू ऑफ केएच, लेस सॉल्युबल मोर वैल्यू ऑफ केएच। कर लेंगे, आई बात समझ में? केएच आपका क्या मिला, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, नो। आप क्या होता देखो, इस इक्वेशन में पी इक्वल टू क्या देखा था आपने, केएच इनटू काई, ये क्या होगा वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं चेक कर लो, अगर प्लॉट लेंगे यहाँ पे किसके बीच में, प्रेशर और काई के बीच में, क्या होगा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं। अब क्या कर लो देखो, एक ही गैस का डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे एब्सॉर्प्टिव नोटिस कर लो, जैसे उस पॉइंट को मीट करोगे तो क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा के एच। आप क्या कर लो, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट सॉल्वेबिलिटी फाइंड कर लो, ग्राफ फाइंड कर लो, ग्राफ का स्लोप फाइंड करो, जो स्लोप होगा वही क्या होगा के एच, तो के एच फाइंड करते हैं थ्रू द स्लोप ऑफ पी वर्सेस काई। कर लेंगे, आपको क्वेश्चन क्या देगा देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या देखना, दे दिया यहाँ पे काई दे देगा आपको, डिफरेंट गैस के लिए प्लॉट ले लेगा, डिफरेंट गैस के लिए प्लॉट ले लेगा, देखो मान लो ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, आपसे बोले केएच कंपेयर करो, देखो प्रेशर फिक्स कर दिए, प्रेशर फिक्स कर दिया मैंने, गिवन प्रेशर पे किसका सॉल्वेबिलिटी ज्यादा, पी पे जाएंगे तो सॉल्वेबिलिटी किसका ज्यादा है, देखो सॉल्वेबिलिटी किसका ज्यादा है, सी का, सी ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए, तो केएच किसका होगा, ए का ज्यादा होगा। ग्राफ अगर पूछेगा आपको कभी रिवर्स भी कर देगा, काई वर्सेस पी ले लेगा, तो अगर ग्राफ देगा तो पकड़ लोगे ना काफ होगा। कर लेंगे, तो केएच का सिग्निफिकेंस समझ में आया, यूनिवर्सल कांस्टेंट ही, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, फॉर अ गिवन गैस डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। अब देखो लिमिटेशन क्या है इसका, ये वैलिड होता है लो सॉल्युबल गैस के लिए, अगर गैस अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड, तो हेनरीज लॉ फेल होता है, हेनरीज लॉ वहीं पे वैलिड होता है जहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा आपका लेस, मतलब सॉल्यूशन क्या बनाएंगे डाइल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस शुड बी लो, और सॉल्युबिलिटी गैस शुड बी लो के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, अगर हाई प्रेशर होगा लो टेम्परेचर यू कांट यूज हेनरीज लॉ, क्या होना चाहिए लो टेम्परेचर नहीं हाई टेम्परेचर,
और क्या होना चाहिए, लो प्रेशर, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, ये इंश्योर क्या करता, डाइल्यूट सॉल्यूशन, दैट इंश्योर द लो सॉल्युबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी, गैस मॉलिक्यूल्स should not interact with the solvent. Solvent के साथ उसका interaction नहीं होना चाहिए, मतलब dissociate नहीं करना चाहिए, dissociate होगा तो fail हो जाएगा and reload. देखो आपका क्या हो जाएगा, hydrogen chloride को अगर water में dissolve करके जाओगे तो क्या बना देगा, वो dissolve हो गया ना, solvent क्या होगा, high and reload fail. अमोनिया को वाटर में लेके जाएंगे क्या बना देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है, पार्सली किस में एनाइज होता है, एनएच फोर प्लस, और किस में जाएगा, ओएच माइनस, एंड डिजॉल्व फेल. एसओ टू को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, और सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा, पार्सली एनाइज होगा एंड डिजॉल्व फेल. IVL में NH3HCl को अगर डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व फॉलो नहीं करता. कर लोगे, समझ में आया आपको कंडीशन क्या, मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले रॉड्स लॉ पढ़ो या हेनरीज लॉ पढ़ो, रिजल्टिंग सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियल. आइडियल कॉन्सेप्ट इज आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. तो कौन सा सोल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा, तो एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन आइडियली बिहेव करेगा. तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जब आइडियली बिहेव करेगा तो वहां पे एंटी डिजॉल्व पॉसिबल होता है, मतलब सॉल्यूट का जो अमाउंट होना चाहिए कंपेयर टू सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. और सॉल्यूट का अमाउंट कंपेयर टू सॉल्वेंट अगर नेग्लिजिबल होगा, इसका मतलब सोल्यूशन आपका वेरी डाइल्यूट होगा, वहां पे एंटी डिजॉल्व अप्लीकेबल होता. अगर कम, अगर मास ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड. इन दैट कंडीशन यू डोंट हैव टू यूज द हेनरीज लॉ, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है ही नहीं, मतलब आइडियली बिहेव करेगा ही नहीं. आई बात समझ में, तो आपको वही कंडीशन इंश्योर करना जहाँ पे लो सॉल्युबिलिटी होगा. तो जितना लो सॉल्युबल गैस होगा उतना बेस्ट होगा आपका हेनरीज लॉ. और जो सॉल्युबल गैस होगा आपका डिजॉल्व भी हो जाएगा, जो आपका आयनाइज हो जाएगा, जो आपका एसोसिएट हो जाएगा, फिर हेनरीज लॉ फेल हो जाता है वहां पे. कर लेंगे, फिर मैंने एप्लीकेशन बताया हेनरीज लॉ का, एनोक्सिया बताया और क्या बेंड्स, और क्या बताया आपको डाइल्यूट कैसे करते हैं हम लोग, सोडा वाटर का कंसेप्ट होता है. तो अब जाना वहाँ पे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, पढ़ लेना खुद से. कर लेंगे, अब देखो यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन दिया, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ गैस ए बी सी डी आर इन वाटर 298 केल्विन, द वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया आपका, केएस का वैल्यू दिया आपका 30, 40, 2.34 दिया, 1.56 इनटू 10 का माइनस क्या दिया 5, एंड 0. क्या दिया आपका 513 किलो बार, सब का हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया आपका. देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा, क्योंकि काई तो यूनिटलेस होता है, काई क्या होता है, यूनिटलेस होता है. हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, खुद से देखो आप लोग कि P इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू क्या होता है, काई. इसका यूनिट अगर बार लेंगे तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, बार. इसका यूनिट अगर एटीएम लेंगे तो इसका भी यूनिट क्या होगा, एटीएम. आई बात समझ में, क्योंकि काई का यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस. अब देखो यहाँ पे थ्री गैस आपके एबीसीडी, सबका एनर्जी लॉ कांस्टेंट वैल्यू दिया है आपके. बोल रहा है कि इन द गिवन ग्राफ द लाइंस मार्क एज ए पी एन क्यू, ये पी एन क्यू के अकॉर्डिंग बोल रहा है. अब देखो सबसे पहले पी एन क्यू का पार्सल प्रेशर ज्यादा है कि नहीं, पी का सबसे ज्यादा पार्सल प्रेशर है, सबसे कम पार्सल प्रेशर किसका है. अब देखो यहाँ पे दिया आपका, देखो क्या दिया है क्वेश्चन देखना, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया आपका मार्क. अब बताओ फॉर ए गिवन एक्स, मतलब कि ये जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने फिक्स कर दिया, तो पार्सल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा कि नहीं. काई को फिक्स कर दो, आई बात समझ में,
काय को फिक्स कर दोगे, तो जितना मान लो कि यहाँ पे वाटर यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया वाटर, यहाँ पे वाटर आपका क्या होगा, वन होगा, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वन ही तो लेंगे, वन नहीं होगा तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, कि आपका मोल फ्रैक्शन वाटर क्या होगा, जीरो से लेके वन तक। आप मान लो कि काय को फिक्स कर दिए, काय को फिक्स कर दिए, काय को फिक्स करने पर देखो तो पार्सल प्रेशर किसका ज्यादा है, पी का, और एस का पार्सल प्रेशर क्या है, लेस। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन वही लेना, आपको वही कॉम्बिनेशन लेना है जिसमें हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट, पी का पार्सल प्रेशर ज्यादा तो हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट ज्यादा होगा, और एस का पार्सल प्रेशर लेस है तो हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा, लेस होगा। तो वही कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है जिसमें पार्ट पी के लिए हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट हाई होगा और आर एस के लिए हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट लो होगा। तो आपको वही दो गैस सेलेक्ट करना है जिसका हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट हाई होगा और सेकेंड गैस का हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट लो होगा, चेक करो। ए में दिया आपका ए एन सी, ए का दे हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट क्या है, चेक करो 30, एस सी कितना आपका, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा वो। सेकंड में देखो बी और ए, बी देखो बी और ए, तो बी और ए जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बी और ए रॉन्ग हो जाएगा ना वो आपका। आपको क्या दिया सेकंड में, देखो क्या दिया बी और ए, तो बी का हैंड्री लॉ कांस्टेंट कितना दिया आपका 40 और ए का हैंड्री लॉ कांस्टेंट दिया 1, किसमें दिया वो, तब क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा ना वो। फिर लिया आपका डी और ए, तो डी में जाएंगे तो कितना दिया आपका, पहले बताओ तो डी में दिया आपका जी ए, तो वो तो देखो हैंड्री लॉ कांस्टेंट लेस है तो उसका पार्सल प्रेशर तो लेस होना चाहिए, लेकिन बी का पॉइंट का मतलब पार्सल प्रेशर हाई, एस पॉइंट का मतलब पार्सल प्रेशर लो, जितना ज्यादा पार्सल प्रेशर उतना ज्यादा हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो, आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कर लोगे। आइए ये बनाओ, आपका पैकेज में भी दिया होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाओगे ना तो क्वेश्चन मिलेगा। हैंड्री लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन गैस इन वाटर इज 1 × 10⁵ atm, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन द 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटीएम प्रेशर इज, कितना दिया एयर में। देखो ये बोल क्या रहा आपको, बोल रहा ये कंटेनर है आपका, इस कंटेनर में आपने 10 मोल वाटर रखा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना डिजॉल्व होगा वो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन कितना होगा वो फाइंड करना। तो प्रेशर तो उसमें एग्जर्ट हो रहा था, प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा था एयर का, जो प्रेशर था वो एयर का प्रेशर वो कितना था 5 atm, तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना 8 × 5 कितना होगा 4 atm। देखो नाइट्रोजन एयर में, एयर प्रेशर डाल रहा है कितना 5 atm, दैट एयर कंटेन 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय नाइट्रोजन कितना होगा 4 atm। आई बात समझ में, अब क्या हो गया, हैंड्रीज लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व इन कहां होगा, एयर में नहीं होगा, डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो वही तो फाइंड करना, मोल फ्रैक्शन कितना डिसॉल्व है 10 मोल्स में, हैंड्रीज लॉ कांस्टेंट दिया ना आपका, ये क्या करेंगे 4 कर देंगे, ये 1 × 10 कर क्या करेंगे 5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁵ इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 10। खुद से सोचो कि इसका कैलकुलेशन आपका ये, आप देखो इसका कैलकुलेशन ही तो ये,
है कि नहीं? और खुद से देखो कि ये तो बहुत वैल्यू स्मॉल है, मतलब जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसको टोटल, ये टोटल का वैल्यू ये है, इसका मतलब होगा कि डिनोमिनेटर में ये मोल्स ऑफ गैस जो होगा कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नेग्लिजिबल है। मैं पहले ही बता दिया था कि हम लोग हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वर्क करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का जब भी अप्लीकेशन करने जाओगे, जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमेशा साइड करके रख देना, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू मोल्स ऑफ गैस कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर आपका हमेशा नेग्लिजिबल होगा। आई बात समझ में? इसीलिए जब जब भी कैलकुलेशन करते तो हमेशा जैसे डिनोमिनेटर में जाते मोल्स ऑफ गैस मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस को हमेशा साइड करके रखते हैं हम लोग। अगर यहीं पे 1 लीटर वाटर देता ना 1 लीटर, तो यहाँ पे क्या लेते 55.55 कर देते, क्योंकि 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml का मतलब 55.55 मोल्स, 1000 ml मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 55.55 मोल्स, तो ये लिखते 55.5, यहाँ पे लेते मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको इग्नोर कर देते, इसी को लेके चलते, यहाँ पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में? क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आप हमेशा याद रखना फॉर हेनरीज लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस N2 is very less than moles of solvent. चाहे वो हाफ लीटर वाटर हो, 10 मोल वाटर लो, 1 मोल वाटर, उसके कंपेरिजन में हमेशा वो नेग्लिजिबल होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, 4 × 10⁻⁵ इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 10। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 1 × 10⁻⁶ आप जब भी कैलकुलेशन करना तो वहां पे हमेशा क्या करना, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में गैस का मोल्स को हमेशा क्या करना, इग्नोर कर देना। तो वहां से फाइंड कर लोगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर मान लो 55.55 दे देंगे तो आप हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ वाटर फाइंड कर लेंगे। अब बताइए मोल्स पर लीटर को क्या बोलते हो, तो बस हो गया, जो मोल्स फाइंड करेंगे वही मोल पर लीटर है, प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या होना चाहिए 55.55। कर लोगे? आई बात समझ में? एनर्जी लॉ समझ में? कैसे करेंगे यही इसका एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है। यही एक क्वेश्चन है जो मार्केट में घूमते रहता है, कभी क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपने 10 मोल्स वाटर लिया, अब वहां पे दे देगा आपको 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपने 10 मोल्स वाटर लिया, बोलेगा हाफ लीटर वाटर लिए, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते मोल्स में। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 g/ml, जितना ml वाटर उतना ग्राम वाटर। कर लोगे? यही था एनरिज लॉ, समझ में? एनरिज लॉ नेक्स्ट लेवल को पेपर प्रेशर। स्टेट ऑफ मैटर में बता दिए थे, चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा दिए थे, वेपर प्रेशर बता दिए थे। वेपर प्रेशर मैंने बताए थे कि वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, वोलाटाइल लिक्विड, तभी तो वेपर प्रेशर होगा। वोलाटाइल लिक्विड नहीं होगा तो फिर वेपर प्रेशर कहाँ होगा? वोलाटाइल लिक्विड होगा तो कहीं भी कंटेनर कर लेंगे, कंटेनर है यहाँ पे, तो वोलाटाइल लिक्विड उसका वेपर फेज का मॉलिक्यूल्स होगा। अब वेपर प्रेशर हमेशा डिफाइन होता है कहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, क्या था आपका सॉल्वेंट लिए थे, और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल रहता है कहाँ पे, सरफेस पे, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमेशा हाई होता है, तो हमेशा किस में जाता है आपका, वेपर फेज में जाता है। वही क्या करता है, सरफेस पे आपका प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं आप लोग, वेपर प्रेशर बोलते हो कि नहीं। मैनोमीटर क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा, ये सर रैंडमली मूव करेगा, वॉल पे और कंटेनर पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लिक्विड सरफेस पे भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर हमेशा डिफाइन होता है कहाँ पे लिए,
इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोला जाता है इसको, या सैचुरेशन प्रेशर भी बोला जाता है। वेपर प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ ए लिक्विड। On its surface, क्या लिखे? The pressure is at the vapor phase of a liquid on its surface at equilibrium, या not equilibrium? At equilibrium, temperature fix होना चाहिए कि change होना चाहिए? Fix होना चाहिए। प्रेशर एग्जर्ट सब लिखा चुके, सिर्फ शॉर्ट में लिखा दिया। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर फेज ऑफ ए लिक्विड, लिख लो लिख लो, काट के लिख लो, साइड में कहीं पे लिख लो। देखो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर phase on the surface of liquid which are in equilibrium, not equilibrium, which are in equilibrium at a given temperature. याद रखोगे आप? क्या होता है देखो, फैक्टर्स था मैंने, फैक्टर्स क्या क्या बताया था सुनो। फैक्टर बताया था मैंने नेचर ऑफ लिक्विड, मैंने बोला था आपको नेचर ऑफ लिक्विड अगर मोर वोलाटाइल होगा तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, हाई होगा। मैंने बताया था कहाँ पे? स्टेट ऑफ मैटर में जाके देख लेना, वहां पे मैंने कुछ लिक्विड के बारे में बताया था, जैसे मैंने बताया था वाटर, और फिर बताया था मैंने अल्कोहल CH3OH था, अब फिर मैंने बताया था आपको एक इथाइल, देखो डाइमिथाइल इथर, इसका मैंने वेपर प्रेशर लिया था तो सबसे ज्यादा 3 का था, उसका 2 का, उसका किसका 1 का था। बॉइलिंग पॉइंट का मैंने कंपेरिजन बताया था, तो जाके देख लेना वहां पे एक बार। नेचर ऑफ लिक्विड के बाद पता था टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लॉसियस कैल्पेलियन इक्वेशन बताया था, याद करो मैंने बताया था आपको, वाटर अगर मान लो वाटर लिए, लिक्विड लिए, ये 373 केल्विन टेम्परेचर पे, ये 1 बार प्रेशर या 180 एम प्रेशर, ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा? वही तो प्रेशर एग्जर्ट करेगा आपका। ये वेपर लिए 373 केल्विन टेम्परेचर लिया मैंने, वन बार 180 के लिए प्रेशर, देखो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं दोनों। अब वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन होता है dLnP अपॉन dT, एंथैल्पी वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर, यही था वन टॉप इक्वेशन। ये नीट 2018 में पूछा हुआ था, लॉसियस कैल्पेलियन इक्वेशन बताए थे इसको। Clausius, Laplacian equation, phase equilibrium को define करने के लिए, और the vapor pressure related to enthalpy of evaporation, enthalpy of sublimation, enthalpy of fusion, दो phase equilibrium होता है, उसके लिए होता है Clausius equilibrium equation। इसी को जब integrate किए थे तो वहाँ पे integrated form आया था आपका, मैंने graph भी बताया था वहाँ पे, वो सारा जाके एक बार चेक करना। उसी को इंटीग्रेट करने के बाद आया था आपका लॉन पी इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आर वन बाय टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया था, याद करो। मैंने जब ग्राफ प्लॉट लिया था लॉन पी वर्सेस वन बाय टी का, लॉन पी वर्सेस वन बाय टी का जब प्लॉट लिए थे तब देखना वहां पे नेगेटिव स्लोप के साथ आया था,
क्लियर कट दिख रहा है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताए थे ताकि देखो एक बार ग्राफ। हेलो गए आप, क्या होगा इंथैल्पी वेपराइजेशन डिफरेंट लिक्विड के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। जितना ज्यादा इंथैल्पी वेपराइजेशन उतना ज्यादा स्टीपर कर्व होगा। अगर आप वाटर के लिए और इथाइल अल्कोहल के लिए अगर एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो दोनों का कर्व क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब वाटर के लिए अगर ये कर्व होगा, मान लो कि वाटर के लिए अगर ये कर्व लेंगे, देखो ये अगर वाटर के लिए ये कर्व होगा तो डेफिनेटली अल्कोहल के लिए ये अल्कोहल के लिए अगर ये कर्व होगा तो वाटर के लिए ये कर्व होगा, क्योंकि वाटर के एंथैल्पी वेपराइजेशन क्या होगा, हाई होगा। जितना ज्यादा है उतना स्टीपर होगा। आई बात समझ में? ये मैंने ऑलरेडी बता चुका था, ये क्लोसेस कंटिन्यू इक्वेशन। फिर थर्ड फैक्टर जो मैंने लिया था यहाँ पे लिखो, एडिशन ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मे बी इलेक्ट्रोलाइट मे नॉट बी इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, लेकिन नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। तो आपने देखा था कि अगर सॉल्यूशन बनाएंगे, देखो देखो ये सॉल्यूशन अगर बनाओगे, यहाँ पे सॉल्वेंट है, देखो सरफेस पर क्या था, होमोजेनियस हेटरोजेनियस सरफेस था, होमोजेनियस आइडेंटिकल मॉलिक्यूल सब था। आपने वेपर प्रेशर यहाँ पे नोटिस किया पी नॉट, याद करो अब ऐसे पढ़ते पी नॉट, P naught stand for the pressure of solvent. अब इसमें क्या किया आपने, ग्लूकोज दिया, तो ग्लूकोज क्या था, नॉन वोलाटाइल। जैसे ग्लूकोज दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, देख ग्लूकोज जैसे जाओगे तो एक सरफेस पे क्या होगा, कुछ ग्लूकोज आ जाएगा। आप जो वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल देख रहे हो, जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल का नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बताइए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने पीएस लिया, और हमेशा याद रखिएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर किसका है, ये प्योर सॉल्वेंट। अगर वन से टू में जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में अगर एंट्रोपी कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा एंट्रोपी होगा, सॉल्यूशन का, याद रखेंगे। और फिर सॉल्यूट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज द सम फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया कवर्ड बाय ऑक्यूपाइड बाय द नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन सॉल्वेंट हैविंग नाउ लेस एस्केपिंग टेंडेंसी टू मूव इन द पेपर पे कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। कर लोगे द पेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन पेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, रानी तो नेक्स्ट डे बता देंगे, समझ में आई, नेक्स्ट डे बता देंगे।